हेलो एंड वेलकम गाइस अगेन। जो मेरे पीछे दिख रहा है ये है रेलवे स्टेशन वोक्जाल उजगरोद, रेलवे स्टेशन उजगरोद। अभी आप पूछोगे कि वोक्जाल पे क्या कर रहा था, मैं मेरी वोक्जाल से अभी रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन है जो यहाँ से जा रही है लवीव। लवीव एक सिटी है यूक्रेन की, जो सेंट्रल पार्ट है यूक्रेन का। मेरी ट्रेन है अभी, यहाँ बज चुके हैं 2, मेरी ट्रेन है 7:30 बजे की। मैं आया था स्पेशली पहले ट्रेन टिकट देखने के लिए, क्योंकि इसमें मैं अगर बताऊँ तो डायरेक्ट में अगर ट्रेन टिकट करवाता ऑनलाइन तो मेरी टिकट होती 200 ग्रेविन समथिंग, 200 ग्रेविन की, जो इंडिया के अगर करें तो 600 रुपीज़ हो जाते हैं। और मैंने टिकट स्टेशन से करवाई है, उसमें मेरा स्टूडेंट कार्ड लगा है, उससे मेरी हुई है 60 ग्रेविन की, जो समथिंग 180 रुपीज़ के आसपास हो गई है। तो इतना सारा डिफरेंस है, इसलिए मैं वोक्जाल आया था टिकट करवाने के लिए। मैंने टिकट करवा ली है, अब मेरी 7:30 बजे की यहाँ से ट्रेन है जो है लवीव की। आगे का प्लान लवीव में देखेंगे, लवीव घूमने का विचार है, उसके बाद एक दो और सिटी घूमेंगे। और न्यू ईयर आ जाएगा अभी जल्दी ही, न्यू ईयर पे भी बड़ी सिटी में जाने का विचार है, देखते हैं यूक्रेन की जो बड़ी सिटी है। तो मिलते हैं। मॉर्निंग गाइज, अभी मैं हूँ वोक्जाल लवीव। मैंने यहाँ आने के बाद प्लान चेंज हो गया मेरा, मैं अभी जा रहा हूँ लवीव से इवानो फ्रेंकिस्क। अभी यहाँ बज चुके हैं 1:54 हुए हैं और मेरी ट्रेन है 3:11 की कुछ। जो ट्रेन अगेन मैंने स्टूडेंट कार्ड से बनाई तो मेरी बनी है 22 ग्रेविन की, जो बहुत कम है, जो बनी है ये लवीव से इवानो फ्रेंकिस्क। तो मैं पहुंचूंगा इवानो फ्रेंकिस्क 6 बजे के आसपास। और घूमने का प्लान जो था वो पहले लवीव का था, लेकिन उसके बाद में प्लान चेंज हो गया और अब भी घूमेंगे अपन इवानो फ्रेंकिस्क उसके बाद में, और आगे जो है देखेंगे। ये है लवीव का वोक्जाल और इसके आगे का मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा है यहाँ पे, अभी स्नो हो चुकी है यहाँ पे बहुत। ये है लवीव का वोक्जाल रेलवे स्टेशन लवीव यूक्रेन। ठंड बहुत है, -1 डिग्री टेम्परेचर है। और ये है लवीव वोक्जाल के आगे का एरिया, बहुत सुंदर है लवीव। अभी एक बार जा रहे हैं इवानो फ्रेंकिस्क की लवीव से, यहाँ ट्रांसफर लिया ट्रेन का और लवीव भी आएंगे वापस घूमने के लिए। ये वोक्जाल बाहर से हैं लवीव का और अंदर से दिखाएंगे आपको। एक चीज़ मैं बता रहा था, यहाँ के लोगों के काम के प्रति इच्छा देखो कितनी अच्छी इच्छा है और अपने काम को कितना लगन रखते हैं। ये आदमी रात के 2 बजे हैं, अभी 2:01 हुए हैं और यहाँ पे क्लीनिंग कर रहा है। रेलवे स्टेशन जो अपने सार्वजनिक जगह होती है, जहाँ पे अपने इतना ध्यान भी नहीं रखते हैं, जबकि यहाँ पे मतलब जो कर्मचारी है वो अपना पूरा ध्यान रखते हैं। ये है लवीव वोक्जाल अंदर से। वोक्जाल सब अंदर से वैसे सेम ही होते हैं, इसमें भी वही है, काउंटर्स है, बाकी एक ही गुंबद बना हुआ ऊपर बहुत अच्छा सा। उस साइड में कैफेटेरिया है जिसमें कैफ़े है, कॉफ़ी वॉफ़ी का, बाकी होटल का सिस्टम है उधर। इस साइड में एग्ज़िट है जो
लाइंस की और प्लेटफॉर्म की ओर जाता है, बाकी लगेज का भी है, कैफेटेरिया भी है और जाल भी है जो बैठने का, टॉयलेट्स भी इधर साइड में है, बाकी ये है काउंटर्स यहाँ पे और उस साइड में एग्जिट है सिटी की, वो है मैन एग्जिट सिटी में। ये है लवयू का रेलवे स्टेशन। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं पहुंच गया हूं इवानो फ्रेंकिवस्की। मेरे पीछे जो है वो है इवानो फ्रेंकिवस्की वोक्जाल और अभी मैं यहां से जा रहा हूं, जो मैंने रूम लिया है उस रूम पे, जो उसके बाद में वहां से मैं जाऊंगा यूनिवर्सिटी और शहर देखने को निकलेंगे। ये इवानो फ्रेंकिवस्की इंस्टीट्यूट है जो मैनेजमेंट के कोर्सेज करवाते हैं। ये है इवानो फ्रेंकिवस्की सेंटर और इस साइड में आ जाते हैं रेलवे स्टेशन एंड ऑल थिंग्स। ये है इवानो फ्रेंकिवस्की सेंटर, सेंट्रल एरिया। ये यहाँ पे चर्च है बड़ा सेंटर में। फिर न्यू ईयर की तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी है, स्नोफॉल तो हो ही गई है, बाकी उसके साथ साथ न्यू ईयर की तैयारियाँ स्टार्ट हो चुकी है। ये यहाँ पे स्टॉल रखी हुई है अभी और रख रहे हैं, और यहाँ पे नई स्टॉल्स लगेगी और ये है यहाँ का सेंटर। ये चल रही है तैयारियाँ, ये बना रखा है कुछ, पता नहीं क्या बना रखा है। ये है यहाँ का सेंट्रल एरिया। बड़ी शांति है सुबह सुबह, ये यहाँ जो गार्डन बना हुआ है यूनिवर्सिटी के पीछे, उधर यूनिवर्सिटी है और ये गार्डन। टर्न राइट, बीच में गूगल डिस्टर्ब कर रहा है, टर्न राइट टर्न लेफ्ट टर्न लेफ्ट। Turn right. चलते हैं यूनिवर्सिटी की ओर। ये है इवानो फ्रेंकिवस्की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी और इसके ये एक फैकल्टी है, हॉस्पिटल अलग है, ये एक फैकल्टी है। आज सैटरडे है, आई थिंक संडे है, सॉरी, तो संडे को तो ऑब्वियसली बंद ही है। ये है इवानो फ्रेंकिवस्की नेशनल नई मदेश नई यूनिवर्सिटी यूक्रेन, एम्बेसी ऑफ यूक्रेन, इवानो फ्रेंकिवस्की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये बंद की हुई है आज, और उस साइड में सेंटर, ये सेंट्रल एरिया के अंदर ही आती है, पूरा सेंट्रल एरिया ही है। ये जो है इवानो फ्रेंकिवस्की हॉस्पिटल है, यहाँ पे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट एंड जो एम्बुलेंस और इमरजेंसी डिपार्टमेंट यहाँ पे है सारा। ये है इवानो फ्रेंकिवस्की मेडिकल यूनिवर्सिटी का ही हॉस्पिटल बोल दो, और हॉस्पिटल भी यही है, एक ही हॉस्पिटल है। तो गाइस ये था व्लॉग इवानो फ्रेंकिवस्की पार्ट वन, पार्ट टू जल्दी आएगा। मैं अभी हूँ चेनिविट्सी वोक्जाल पे, मेरी ट्रिप चेनिविट्सी है और ये व्लॉग एडिट करना चेनिविट्सी में वोक्जाल पे बैठे बैठे किया है। सी यू सून गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बहुत रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। 60% लोगों ने नहीं किया चैनल सब्सक्राइब, तो कर लो प्लीज़, और प्लीज़ लाइक करना वीडियो को। That's it. Thank you so much. Shukriya aapka.